हेलो छात्रों, नमस्कार। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। छात्रों, मैं अभी आपको बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड यानी द्वितीय प्रश्न पत्र हल करवाने जा रही हूँ। उसमें बुक का नाम है एकांकी सरोवर। एकांकी सरोवर जो है वो एकांकी मानसिक संवेदनाओं से ओतप्रोत एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक एकांकी है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। छात्रों, विष्णु प्रभाकर जो हैं उनका जन्म 21 जून 1912 को मीरनपुर गांव मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन का नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर नाम उपनाम रखने की सलाह दी थी, जिससे वो विष्णु प्रभाकर नाम से जाने जाते हैं। उनकी आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई थी। बाद में वे घर की माली हालत होने के कारण अपने मामा जी के यहाँ चले गए। मामा जी का घर हिसार में था, यूपी हिसार, उत्तर प्रदेश में। मामा जी के घर चले गए और उनमें लगन और मेहनत करने की बेहद रुचि थी। वो बहुत ही लगनशील मेधावी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, बीच में बंद नहीं की। उन पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया। उन साहित्य की विधाओं में कौन कौन सी विधाएं थी आपको बता दूं छात्रों? उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्तांत आदि, इन विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। छात्रों, विष्णु प्रभाकर को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार सम्मान के रूप में प्राप्त किए हैं, जैसे कि पद्म भूषण, अर्धनारीश्वर, उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन 11 अप्रैल 2009 में हो गया। ये बड़े ही दानवीर भावना के धनी थे। इनके मन में दान करने की भावना रहती थी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान कर दिए थे, यानी अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की और कर भी दिए, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था। साथियों, हम ये जानना चाहते हैं कि विष्णु प्रभाकर अपनी दान भावना के इतने धनी थे जो उन्होंने अपने शरीर के पूरे अंग ही दान कर दिए। विष्णु प्रभाकर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, वो सभी एकांकीकारों के पथ प्रदर्शक थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त किया था। छात्रों, अब हम बात करते हैं पात्रों की। इसमें मुख्य पात्र कौन है, गौण पात्र कौन है? एकांकी के अंदर मुख्य पात्र हैं सुशील की
गौड़ पात्रों की संख्या सुशील पिता चंद्रा सुशील पिता चंद्रा जो सुशील के बड़े पापा की बेटी थी यानी उनके ताऊ जी की बेटी थी और डॉक्टर डॉक्टर सुशील की मां मुख्य पात्र है। और आपको बता दूं एकांकी का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बताऊं आपको। एकांकी को हिंदी साहित्य में नाटक का ही एक भेद माना जाता है। वस्तुतः यह पाश्चात्य प्रभाव वन एक्ट प्ले की ही वन एक्ट प्ले का ही रूपांतरण है। एकांकी नाटक का भेद होते हुए भी पृथक साहित्यिक विधा के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। विष्णु प्रभाकर ने अधिकतर एकांकियां स्वस्थ मनोवैज्ञानिक रचनाएं की हैं तथा उनमें इनमें पात्रों के अंतर्द्वंद का गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। साथियों सभी समीक्षक संवाद को एकांकी का प्राण कहते हैं और आगे हम आपको बताना चाहेंगे एकांकी की कथा वस्तु में साथियों इस एकांकी में एक ऐसी मां की ममता को चित्रित किया गया है जिसके 14 बेटों में से केवल एकमात्र सुशील बचा है। वह भी देशभक्ति कर्तव्य भावना के कारण कर्तव्य भावना से ओतप्रोत है जो हमेशा देशभक्ति की और कर्तव्य की ही बातें करता है। सुशील की मां के 14 बेटे थे। 14 बेटों में से 7 एक साथ खत्म हो गए और 2 पुत्र विदेश गए वहां से कभी भी लौटकर नहीं आए। एक पुत्र जो था वो शादी के दिन ही अचानक मौत हो गई उसकी और अब बचा एक सुशील। सुशील जो है 3 महीने से बीमार है किंतु सामान्य रोग होने पर भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है। साथियों अच्छा नहीं हो पा रहा है। सुशील की मां को शंका है। क्या शंका है उनको कि कहीं ठीक हो गया तो ये भी कहीं उन बेटों की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, ऐसी शंका उनके मन में है। लेकिन लेखक ने इसके बाद की स्थिति इस शंका के बाद की स्थिति को लेखक ने एकांकी में सुशील की मां की ममता की पराकाष्ठा जो विष का रूप धारण कर लेती है उसी का वर्णन इस एकांकी में किया है। छात्रों आपको बता दें विष्णु प्रभाकर ने इस एकांकी में सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करके एकांकी को एक बहुत ही अच्छा मोड़ दिया है और बहुत ही इसको जो है समझने की दृष्टि से देखा जाए तो मनोविज्ञान पर आधारित इसको विशेष रूप से भावनाओं से भी जोड़ा गया है। मनोविज्ञान और भावनाएं इन दोनों का समन्वय किया है। छात्रों अब आपको हम बता दें एकांकी की मूल भावना
मित्रों मूल भावना में एकांकी में माँ की ममता की अधिकता के दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। जो ममता विष का रूप धारण कर लेती है, वह माँ जो बच्चे की जान की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहती है, उसी माँ ने स्वार्थ एवं ममता से ऐसी पागल हो गई है कि वो अपने बच्चे का भला और बुरा नहीं सोच पा रही है, केवल यह सोचकर कि उसका बीमार पुत्र यदि अच्छा हो गया तो माँ अच्छा हो गया तो उसे छोड़कर चला जाएगा। वह माँ सुशील को दवा ही नहीं देती थी, बीमार होने के बावजूद भी उसको दवा नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था सुशील अगर ठीक हो जाएगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए इसको बीमार ही रहने दो, क्योंकि माँ की ममता पर स्वार्थ हावी हो गया था, वो स्वार्थी हो गई थी, इसलिए अपने बच्चे का भला और बुरा नहीं सोच पा रही थी, जिससे वह बार बार रोग ग्रस्त होकर के मौत के मुंह में जाने को अग्रसर रहता था। बार बार उसको फीवर होता, बार बार ठीक हो जाता, फिर फीवर होता, फिर ठीक हो जाता। इस तरह से उसके 3 महीने निकल गए, सुशील ठीक ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी माँ स्वार्थपरता से ग्रस्त थी और उसको दवा नहीं दे रही थी। किंतु डॉक्टर साहब की कुशलता एवं विवेक से डॉक्टर की कुशलता और विवेक से वास्तविकता का पता चला लिया जाता है और ममता के विष के कारण अनजाने में एक माँ के हाथों ही बेटे की हत्या होने से बचा लिया जाता है। डॉक्टर ने अपने विवेक से अपनी बुद्धि से काम लिया और किसी भी चीज़ का उसने किसी को टेंशन न देते हुए उस सुशील के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी ताकि ये समझ में आ जाए आखिर ये दवा लेने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसी व्यवस्था करके उसने डॉक्टर ने पता लगा लिया कि आखिर क्या था। वो क्या था आपको बता दूं, डॉक्टर सुशील का इलाज कर रहा था, हर सप्ताह दिखा रहा था, हर सप्ताह उसकी दवाइयां आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, माँ स्वार्थी थी, वो ही दवाइयां देती थी क्योंकि घर में कोई दूसरा था नहीं। माँ स्वार्थता के कारण उसको दवाएं नहीं दे रही थी क्योंकि बेटे के ठीक होते ही वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये स्वार्थ ममता पर हावी हो चुका था और वो अपने बच्चे को ही ठीक नहीं होने दे रही थी। इसीलिए इस एकांकी का नाम ममता का विष रखा गया है, क्योंकि छात्र आपको बता दूं, जिस समय सुशील बीमार था उस समय दवा न देने के कारण बार बार रोगग्रस्त, 3 महीने हो गए सामान्य बुखार होने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके पिता को चिंता हुई। वो एक दिन चुपके से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनको सारी बात बता के उनसे पता करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या है कि हमारा बच्चा 3 महीने से लगातार बीमार हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, ऐसा कोई रोग भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बोले, मैं आपके घर आता हूँ और आपको बता दूँ, आपके घर में किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं आपके घर पे आया हूँ, फिर मैं कुछ उपचार करता हूँ, कुछ उपाय करता हूँ जिससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ही है जिसके कारण से आपका बेटा ठीक नहीं हो पा रहा है। उसके पिता चिंतित हो गए, उन्होंने सोचा पता नहीं दूसरा और क्या है। डॉक्टर साहब को चुपके से घर बुला लिया, रात को उसके पिता और डॉक्टर पूरी रात जागने का निश्चय किया और एक खिड़की में झांक कर देखते रहे तो सुशील की माँ, जो कि सुशील की देखरेख करती थी, वो कमरे के अंदर आई। दवा देने का टाइम होता था, कमरे में आती थी, खाना देने आती थी, पानी देने आती थी,
जब सारा खाना पीना हो गया, सभी लोग सो गए, उसके बाद में डॉक्टर साहब रूम में एक जगह बैठ जाते हैं और उनके पिता को भी वहीं बैठा लेते हैं ताकि उनको भी पता चले कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है, ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है, दवाएं लेने के बाद भी उसको आराम क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने उस रात जागने का फैसला किया। देखता क्या है, जैसे ही सब सो जाते हैं, उसकी माँ सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई धीरे से अंधेरे में आती है और सुशील के कमरे में खिड़की के पास एक पौधा रखा हुआ है गमले के अंदर, सुशील की दवाइयों को निकालती है। जैसे हम सुबह शाम दोपहर दवाइयाँ देते हैं, उसी प्रकार उन दवाइयों को लेके उस मिट्टी के अंदर वो एक उसके टाइम की दवा निकाल के मिट्टी में दवा देती है और धीरे से बाहर जाने के लिए आती है। इतना होते ही डॉक्टर ने अचानक रोशनी कर दी और बाहर उसके पिता, सुशील के पिता और डॉक्टर दोनों ही एक साथ निकल करके बाहर आ जाते हैं। और आते ही क्या होता है, उसकी माँ के माँ का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही माँ को पता चलता है कि डॉक्टर साहब को पता चल गया है कि मैं दवाई नहीं दे रही हूँ सुशील को, तो वो और स्वार्थता के कारण और चिंता के कारण कि अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोचते हुए वो मूर्छित हो जाती है, मूर्छा खा के वहीं गिर जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं उसके पिता से, देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने समझ लिया है कि आपका बेटा ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माँ की ममता के ऊपर स्वार्थता का विष भर गया है और माँ इसकी स्वार्थी हो गई है, इसलिए वो दवाइयाँ ही नहीं दे रही है, क्योंकि डॉक्टर ने गमले से वो दवाइयाँ निकाल करके चेक कर ली थी, उन्हें पता चल गया था कि माँ इसको दवाइयाँ नहीं दे रही है। लेकिन वो स्वार्थ क्या है क्या नहीं है, वो उसकी माँ ने मूर्छित मूर्छा जागने के बाद में फिर रोते रोते उस डॉक्टर के सामने सारा वृतांत बताया था और अपनी भावनाएं प्रकट करके उसको बताया था कि हमारा बेटा बीमार है और मैं इस डर के कारण इसको दवाइयाँ नहीं दे रही थी ताकि ये ठीक नहीं हो, अगर अच्छा हो जाएगा तो ये मुझे छोड़कर चला नहीं जाए, बस इतनी सी बात के लिए मैं इसको दवाइयाँ नहीं दे रही थी। छात्रों, ममता का विष, हम सब जानते हैं कि माँ का दर्जा हमारे जीवन में क्या होता है, माँ भगवान से भी बढ़कर होती है। जिसने अपने जीवन में एक नई जिंदगी को जन्म दिया है वो माँ, उस माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसकी भावनाओं पे कोई भी हावी नहीं हो सकता और माँ हमारे लिए सबसे बढ़कर होती है। लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर के स्वार्थ में आकर के उसी माँ ने अपने बच्चे को दवाएं नहीं दी, इसीलिए इस एकांकी का नाम ममता का विष रखा गया। मित्रों, आपको बता दें एकांकिकारों में विष्णु प्रभाकर का अवदान और स्थान, एकांकिकारों में छात्रों, आपको बता दें एकांकिकारों में विष्णु प्रभाकर का कौन सा स्थान है, क्या अवदान है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। विष्णु प्रभाकर जो है एकांकिकारों के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनके अब तक के
5 एकांकी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। वो एकांकी संकलन कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। पहला है बंधन मुक्त, जो अछूतोद्धार की समस्या से अछूतोद्धार की समस्या को चित्रित करता है। दूसरा है साहस, जो गरीबी तथा वैश्यावृत्ति की समस्या को सॉल्व करता है। और तीसरा है प्रतिशोध, प्रतिशोध हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की समस्या से चित्रित है। चौथा है इंसान, इंसान सांप्रदायिक दंगों का चित्रण करता है। और विष्णु प्रभाकर की 5वां संकलन जो है वो है देवता की घाटी एवं रक्त चंदन, जिसमें कश्मीर की समस्या पर आधारित चित्रण किया गया है। कश्मीर की जो समस्या थी उस पर आधारित चित्रण किया गया है। छात्रों आपको बता दें, इन्होंने एकांकी के क्षेत्रों में एक विशेष स्थान पाया है और ये अवदान के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। मित्रों विष्णु कुमार प्रभाकर की एकांकी का, ममता का विष एकांकी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मित्रों, एकांकी का उद्देश्य है, एकांकी का जो मूल उद्देश्य है वो है मां की ममता को पहचानना, किंतु भावावेश में न आकर वास्तविक तथ्य को का पता लगा लेना। वास्तविक तथ्य क्या था सबको पता है, मां ने जो दवाइयां नहीं दी थी वो ही वास्तविक तत्व है। समस्या वास्तविक तथ्य का पता लगाकर समस्या का निदान करना, यही विष्णु प्रभाकर की एकांकी का मूल उद्देश्य था। अतः ममता का विष नामकरण सार्थक है, क्योंकि ममता का विष इसीलिए रखा गया है छात्रों कि ममता की, माँ की ममता पर स्वार्थता का विष चढ़ चुका था, इसलिए वो अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा नहीं कर रही थी, वो उसके भले बुरे के बारे में नहीं सोच पा रही थी। मित्रों एकांकी कारण यही एक इसी एकांकी के आधार पर ममता के विष एकांकी का नाम दिया है, जो नाम इसके भावनाओं को लेकर, इसकी मूल भावना को लेकर के, इसके उद्देश्य को लेकर के, इसकी कथा वस्तु को लेकर के एकांकी का जो नाम है ना वो ममता का विष सार्थक है।